भारतीय संविधान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक तथाकथित जनप्रतिनिधि को उसके पद से हटाने, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसकी तत्काल गिरफ्तारी करने और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग, भारतीय नागरिकता को खत्म किए जाने की मांग संयुक्त मोर्चा के द्वारा की गई, जिन्होंने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए उनकी इस मांग को जल्द से जल्द पूरी किए जाने की गुहार लगाई। वहीं मांग पूरी न होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। उक्त मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपने पहुंचे संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि झनवा पंचायत बालाघाट के एक तथाकथित सभापति ने पिछले दिनों सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर भारतीय संविधान के बारे में गलत बातें लिखी, वहीं संविधान का अपमान करते हुए उसे बदलने की पोस्ट वायरल की, जिसके इस कृत्य से भारतीय संविधान का अपमान हुआ है। वहीं संविधान को मानने वाले हर भारतीय की भावना भी आहत हुई है। ऐसे जनप्रतिनिधि को उसके पद से तत्काल हटा दिया जाना चाहिए और उस पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और ऐसे लोगों को तत्काल ही गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो ये आज जो हम लोग ने ज्ञापन सौंपा है ये सजगता और सतर्कता को लेकर है, क्योंकि आए नए दिन भारतीय संविधान पर जो कम पढ़े लिखे जिनके पास बुद्धि का अभाव है वो टीका टिप्पणियाँ कर रहे हैं। भारतीय संविधान देश की मूल भावना है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय को लेकर है, और हम कदापि नहीं चाहेंगे, ना मैं चाहूँगा, ना मेरे लोग चाहेंगे, ना भारत का प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा कि भारतीय संविधान पर इस तरह की टीका टिप्पणी हो। बालाघाट जिले में वर्तमान में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने भारतीय संविधान पर टीका टिप्पणी किया सोशल मीडिया पर, हालांकि हम उसका नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि हम बेवजह किसी को हीरो नहीं बनाना चाहते। निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो इसके लिए बालाघाट जिले में एक बड़ा आंदोलन। क्या है वो? एक जनप्रतिनिधि है। जी हाँ, जनप्रतिनिधि है। नाम भी बता दीजिए उसका। क्या नाम लिखते हो? पुरेश्वर रजक। भुवनेश्वर रजक जी। कार्रवाई हुई है? हम कार्रवाई यही चाहते हैं कि इस व्यक्ति को संवैधानिक पद से हटाया जाए और साथ ही साथ इस पर राष्ट्रद्रोह का मामला गठित किया जाए एवं इसकी नागरिकता खत्म की जाए।